आशीर्वाद दो बेटा, सबके पैसे को आशीर्वाद दो। भाई आयुष के लिए और सबके लिए कैपिंग कर दे भाई। हाँ भाई क्लैपिंग होनी चाहिए बेटा। यहाँ श्रेया शर्मा जी सर, श्रेया शर्मा श्रेया शर्मा के फादर फादर के लिए क्लैपिंग कर दे सर। आशीर्वाद लो सबके। माला पहले जी प्लीज जी, उनके फादर का सब सम्मान कर रहे हैं, क्लैप कर दो भाई। जी डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, क्लैप कर दे प्लीज सर। ये फादर उनके सर भाभी भाभी जी हैं। उनका सम्मान करते हुए अभी सभी लोग माला उतारे जी प्लीज सर। कोई भी जना माला ना उतारे, ये क्लैपिंग कर दें सर। क्लैपिंग कर रहे हैं भाई। क्लैपिंग कर दें सर। आप फैमिली को बुला लीजिएगा सर। गाजियन जी सभी सफल छात्रों के अभिभावकगण, पत्रकार बंधु और सभी का मैं स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। बग्गा सर को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस शहर के अंदर शिक्षा के स्तर को उतना ऊंचा उठाने में काफी सराहनीय कार्य किया है और इनकी सहजता और सरलता और काम के प्रति जो इनकी लगन है उसी का ये परिणाम है कि आज 29 बच्चों में से 13 बच्चे इनके नीट ये क्वालिफाई कर चुके हैं। छात्राओं का सम्मान हुआ है, आज जो मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है उसके लिए बग्गा सर के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन बच्चों ने जो सफलता अर्जित कर दी की है उसमें निश्चित रूप से कोचिंग क्लासेस का और उसमें बग्गा सर की गाइडेंस का, टीचर्स का और विशेष रूप से उनके माँ बाप का बहुत अच्छा योगदान रहा है जो आज बच्चों ने इतनी अच्छी सफलता हासिल की है। मैं सभी को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और ये सफलता की पहली सीढ़ी है, आगे भी और बहुत संघर्ष है। आगे जो पढ़ाई होगी मेडिकल की उसमें लगातार अच्छे प्रयास करते रहने हैं जिससे अच्छे अंक मिले इनको और एक अच्छे डॉक्टर बन के समाज की अच्छी सेवा करें और एक नए ट्रीटमेंट स्थापित करें। केस को कार्यक्रम को और फैकल्टी को आगे बढ़ाएं और बच्चों को और आगे जाने का मौका दें, खुद भी आगे भी इन बच्चों का थोड़ा लेते रहें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे, क्या हुआ है इनका, इसलिए इनका MBBS भी कंप्लीट हो जाए फिर वो भी आपके हिसाब में जुड़ जाए कि भाई इन बच्चों ने यहाँ से मेडिकल का ट्रीट मिली इनको, उसके बाद हमने पास करके और MBBS भी हुए, MD हुए, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बग्गा सर के लिए इसी प्रकार प्रस्थान करके बच्चों को वहाँ जाने से रोकते रहें और बच्चों का भविष्य बनाते रहें। धन्यवाद।
दीपक जी थोड़ा सा प्लीज खींचा है फोटोग्राफर परेशान थोड़ा सा। एक फोटो साथ मेरा।